हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल तो स्टूडेंट जैसा कि आप सबको पता है कि एक सीटेट के द्वारा सीबीएसई के द्वारा द्वारा जो है एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके प्रेस नोटिस जारी करके सीटेट के बारे में हमको बताया गया है बट उसके बाद से सीटेट के वेबसाइट पर कोई भी हलचल देखने को नहीं मिली है आ, कब से सभी कैंडिडेट सी के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं बट अभी तक आ, किसी के उम्मीदों पर जो है खरा नहीं उतर पाया है सी बी एस ई तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं सी टेट की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सी टेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि उसका नोटिफिकेशन जो है कब आ सकता है और जैसा कि आप सबको पता है कि सितंबर का महीना चल रहा है और सी टेट ने जो है ये कहा हुआ है सी बी एस ई ने कि एग्ज़ाम हमारा दिसंबर जनवरी में है और नोटिफिकेशन का अभी तक कुछ पता नहीं है तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देखने वाले हैं कि आपका ये नोटिफिकेशन कब आ सकता है और कब आने के चांसेस हैं और आपको अपनी तैयारी स्ट्रेटी किस तरह से रखनी चाहिए कैसे आपको प्रिपेयर होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपके जानकारियों से रिलेटेड सारे वीडियोज़ रेगुलर अपडेटेड वीडियोज़ अपलोड होते रहते हैं बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा उसको ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो चलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप सबको पता है कि सितंबर का महीना चल रहा है आधा सितंबर यहाँ पर बीत चुका है और अभी तक नोटिफिकेशन का कुछ अता पता नहीं है तो कुछ डेट के बारे में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि जैसे इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं तो जैसे आपको पता है कि प्रेस नोटिस जो आया हुआ है प्रेस विज्ञप्ति आपकी जो आई हुई है तो वो कब की आई हुई है दोस्तों आप सबको पता होगा वो तीस सात को आई है ठीक है तीस सात डेटेड है उसमें जो उसमें शो कर रहा है डेट नोटिफिकेशन में जो है प्रेस विज्ञप्ति में वो है दोस्तों तीस सात और सातवें महीने में आया है लास्ट में ये और अभी चल रहा है नवा महीना तो आप सबको पता है कि करीब करीब डेढ़ महीने के आसपास ये बीत चुका है डेढ़ महीने होने के बाद भी सी की वेबसाइट पर कोई भी हलचल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है अब दोस्तों वहाँ पर उस नोटिस में जो है प्रेस विज्ञप्ति में एग्जाम एक, की डेट क्या दी हुई है एग्ज़ाम की डेट दोस्तों वहाँ पर दिसंबर जनवरी दी हुई है ठीक है दिसंबर 2021 या फिर जनवरी 2022 आप सबको पता है तो या तो एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट होगा या तो जनवरी में ठीक है लेकिन अभी का जो समय है समय इतना कम है उसको देखते हुए ये भी पॉसिबल तो नहीं लगता है कि दिसंबर जनवरी तक एग्ज़ाम होगा दिसंबर में तो मुश्किल ही है बट एक लॉजिक इसके पीछे ये है कि चूंकि ये सीबीएसई ने ख़ुद ऑफिशियली ये अनाउंस किया हुआ है सीबीएसई ने ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है तो आ, उसने अपनी स्ट्रेटजी कुछ बना करके रखी होगी तभी उसने अनाउंस किया है ऐसे ही उसने हवा हवा में ये बातें नहीं कही हुई है ठीक है तो थोड़ा एक भरोसा ये जगता है क्योंकि हर जो संस्था होती है वो अपनी एक डेड लाइन की तरह काम करती है एक डेड लाइन फिक्स करके पूरी तैयारी करने में जुट जाती है उस डेड लाइन तक अपने काम को निपटाने में तो यही एक लॉजिक है कि दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम पॉसिबल हो सकता है बट दिसंबर में तो फिर भी सोचने में नहीं लगता है क्योंकि हर चीज़ें इतनी सारी चीज़ें करनी होती है एक फॉर्म नोटिफिकेशन निकालने से लेकर फॉर्म फिलअप करने से लेकर एडमिट कार्ड आने और एग्ज़ाम कंडक्ट होने में काफ़ी समय लगता है तो दिसंबर तो ऐसे पॉसिबल नहीं लग रहा है तो जनवरी में जो है एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड आप मान सकते हैं ठीक है थीके? तो अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन की तो दोस्तों नोटिफिकेशन जब से नोटिस जारी हुई है प्रेस नोटिस तभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि नोटिफिकेशन जल्दी ही ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी बट डेढ़ महीने बीत चुके हैं अभी तक कोई हलचल नहीं नजर आ रही है बट सितंबर का महीना स्टार्ट है तो सितंबर के लास्ट तक दोस्तों या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी हो सकता है एज पॉसिबल एज मतलब कि बहुत ही जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी क्योंकि तैयारियां जो हैं सीबीएसई की तरफ से रेगुलरली की जा रही हैं तो सितंबर में ही ये एक्सपेक्टेड है कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी अगर सितंबर में नहीं आता है तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है चांसेस हैं कि वो नोटिफिकेशन आउट हो जाएंगी अब दोस्तों फॉर्म फिलअप की बात करते हैं तो पहले तो क्या होता था पहले कि मैं जैसे कि लास्ट जो सीटेट हुआ था ठीक है लास्ट जो सीटेट हुआ था तो उसमें काफ़ी तो टाइम लिया गया था जैसे कि फॉर्म फिलअप जो है जनवरी और फेबर जनवरी जनवरी से लेकर के फेबरी तक फॉर्म फिलअप किया कराया गया था ठीक है और, और उसके बाद जो एग्ज़ाम का डेट उन्होंने दिया हुआ था वो था दोस्तों फाइव जुलाई ठीक है पाँच जुलाई यहाँ पर डेट दिया गया था तो काफ़ी समय वहाँ लिया गया था आप समझ सकते हैं फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल मई जून कम से कम चार महीने का समय वहाँ पर लिया गया था उसके बाद जो है एग्जाम का डेट दिया गया था बट फाइव जो जुलाई है वहाँ उस दिन भी जो है एग्ज़ाम नहीं हो पाई थी कोरोना की वजह से डिले हो गया था एग्ज़ाम और जा करके जनवरी uh, में हुई थी ठीक है तो चार महीने बाद का समय एग्जाम का दिया गया था तो आप सोच सकते हैं कि अभी तो इतना कम समय है अभी न, uh, जो है सितंबर चालू है सितंबर स्टार्ट है अभी बट नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है तो दिसंबर में जनवरी में भी सोचने में तो ऐसा पॉसिबल नहीं लगता बट चूंकि सी ने कहा हुआ है तो ज़रूर उसकी कोई स्ट्रेटजी होगी तभी उन्होंने कहा है तो अपनी पढ़ाई को आप उसी स्ट्रेटजी के साथ जारी रखिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाला है ठीक है पूरी स्टडी अपनी करके पूरी अपना सिलेबस आप लोग कंप्लीट कर लीजिए ठीक है दिसंबर में अगर नहीं होता है तो जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा ही और अगर दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाता है तो आप जनवरी के एग्ज़ाम के लिए उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और जो है अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं बहुत आसानी से जिससे आपकी पकड़ और अपने सब्जेक्ट पे और पेडोगॉजी पे बहुत मजबूत हो जाएगी ठीक है जिसके पेडोगॉजी जो है थोड़ा सा नया हो जाता है टेट एग्ज़ाम देते टाइम क्योंकि बीएड में स्टूडेंट ने पढ़ा तो होता है बट थोड़े से टेट में इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि थोड़ा सा सोचना पड़ता है उसके लिए ठीक है तो उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि अगर सितंबर में अगर आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है तो फॉर्म फिलअप भी जल्दी ही हो जाएगा अगर सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगी तो फॉर्म फ़िलअप आपका अक्टूबर से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा एक महीने का कम से कम कम से कम एक महीने का समय आपको दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए अब दोस्तों सारी चीज़ें अगर अक्टूबर या फिर मे बी नवंबर तक नवंबर के जो है बीच नवंबर तक आपका कहने का मतलब 10 से 20 नवंबर तक के बीच में भी अगर सारे फॉर्म अगर फिलअप हो जाते हैं तो आपका जनवरी में एग्जाम एक्सपेक्टेड माना जा सकता है ठीक है एक्सपेक्टेड जनवरी में माना जा सकता है एग्जाम भी जल्दी होंगे पिछले बार की तरह चार महीने का समय आपको नहीं दिया जाएगा एग्जाम के लिए तो चूंकि चीज़ें बहुत पिछड़ी हुई हैं अभी कैलेंडर हर संस्था का कैलेंडर पीछे हो गया है कोरोना की वजह से तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी निपटाई जा रही हैं तो अगर नवंबर में फॉर्म फिल हो जाता है तो दिसंबर छोड़ करके आपका जनवरी में जनवरी लास्ट तक क्योंकि दोस्तों कोई भी महीना तीस दिन का होता है ठीक है तो अगर एक जनवरी को भी जनवरी कहेंगे और 30 जनवरी को भी जनवरी कहेंगे तो ये मोस्टली जो है चांसेस हैं कि लास्ट जनवरी तक आपका एग्ज़ाम होगा ऐसा एक्सपेक्टेड है बट कुछ कहा नहीं जा सकता सी बी एस ई का भी नोटिफिकेशन निकाल करके आ, जो है चीज़ें कर सकता है तो ये मान करके चलिए इस तरह की डेट है जैसे कि मैंने बताया एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट आपका सेप्टेम्बर में ही आ सकता है अगर सेप्टेम्बर में नहीं आता है तब कहीं जा के अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है दोस्तों एक्सपेक्टेड डेट जो है एग्ज़ाम डेट आपका जनवरी ही मान के चलिए और चीज़ें अगर समय पर होती रहीं तब भी ये जनवरी लास्ट तक जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया जनवरी लास्ट तक ये एक्सपेक्टेड डेट जो है जा सकती है तो अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से आप लोग बना करके रखिए अपनी तैयारियां रेगुलर जारी रखिए तभी आप लोग जो हैं अच्छे मार्क्स के साथ सी क्लियर कर सकते हैं अब दोस्तों आप पहली बार में सी क्लियर कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है बहुत लोगों ने किया हुआ है जब दूसरे कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं अपनी तैयारियां जारी रखिए जुड़े रहिएगा चैनल के साथ समय समय पर आपके हर चीज़ें आपको अपडेट की जाती रहेंगी साथ ही सी के क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद